दुनिया के फैन को तू बॉलीवुड सुना रही। Look at that, oh my god. So what is up guys, welcome back to One Tracks. और भाई आज मैं घर पे था और बेला ने एक ट्रैक ड्रॉप कर दिया, तो मेरे को भाई मेरे को लगा कि भाई मुझे सुनने से पहले रिएक्शन मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ तो भाई गाना आ चुका है कांडी औरत, और पोस्टर में तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो देखते भाई बेला इस बार क्या मेलेडी लेकर आया, क्या वाइब ड्रॉप किया बेला ने, क्योंकि तुम्हें पता है भाई बेला कैसा है। भाई बेला बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है। अब ये सब बातें भाई, अब मैं पहले भी बहुत बेला की वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, तो हर बार बोलना सही नहीं लगता। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम, कुछ वेट नहीं हो रहा भाई, सीधा रिएक्शन पर चलते आ जाओ, लेट्स गो। ये बीट इंस्पायर्ड है, तुम एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरे को क्या कहते हैं गाने का नाम याद नहीं था, लेकिन हाँ एल्बम में से मेरे को लग रहा था कि बोहेमिया के उसके एल्बम में से कहीं से तो गया, क्योंकि मैंने एल्बम बहुत ज़्यादा सुन रखी है बोहेमिया की, तो हाँ मुझे गाने का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड लग रही है, क्या पता आगे जाके बीट चेंज हो गए, लेकिन मेलेडी सेम है। ये बंदी बहुत दिखी, सभी को ये नाम दे रही है, मुझे भाप लेती है, ये मेरा नाम ले रही है। साउथ दिल्ली की छोरी पूरे कांड में फंसी है, गले से लगा के गले पे निशान देती है। अब मेरा माइक ऑन, वो मेरी आवाज सुन के हो रही टर्न ऑन, बनाती मेरे रैप गानों को तू लव सॉन्ग, तू है खजाना तेरे आवाज सुन के हो रही टर्न ऑन, बनाती मेरे रैप गानों को तू लव। जब भी मैं माइक खोलूं वो होती है टर्न ऑन, और मेरे रैप गानों को बनाती है लव सॉन्ग। बेला कैसे लिख लेते हो भाई ऐसा। माइक ऑन, वो मेरी आवाज सुन के हो रही टर्न ऑन, बनाती मेरे रैप गानों को तू लव सॉन्ग, तू है खजाना तेरे पीछे लगे 40 चोर। तू है खजाना तेरे पीछे लगे 40 चोर, कि मतलब तू इतने सुंदर है तेरे पीछे 40 लड़के लगे हुए। क्या क्या कंपैरिजन, कैसा है भाई, कैसा कंपैरिजन है, डैम ब्रो। मैं अली बाबा हर एक चोर का, मैं अली बाबा, और लाइक लुक एट दैट कि भाई उन्होंने खुद को कैसे कंपेयर किया, क्योंकि वो उन्हीं की ही गर्लफ्रेंड है, डैम भाई। गानों को तू लव सॉन्ग, तू है खजाना तेरे पीछे लगे 40 चोर, मैं अली बाबा हर एक चोर का बना रहा मोर, मैं लाल बत्तियों के बीच महाराज को लुभाना तेरी सखियों से सीख, बहुत महाराज को लुभाना तेरी सखियों से सीख, डैम भाई। द नेस्टी एंथम, मैंने अब पूरा टाइटल पढ़ा है, नेस्टी एंथम, तो ये सब ऐसे ऐसे नॉटी चीजें बीच में आने वाली है बार बार। नारा मोर, मैं लाल बत्तियों के बीच महाराज को लुभाना तेरी सखियों से सीख, बहुत बुरा आदमी मैं, बहुत ज्यादा नीच, रंग सांवला मैं रहता खाली गोपियों के बीच, मुझसे बची रह तू, रंग सांवला मैं रहता केवल गोपियों के बीच। फिर एक और बार कंपेयर किया कृष्णा से, डैम भाई। बहुत ज्यादा नीच, रंग सांवला मैं रहता खाली गोपियों के बीच, मुझसे बची रह तू प्रार्थनाएं कर, जब भी दरवाजा खड़काऊं बोली साजन आए घर। डॉन दादा अपने आगे पीछे कौन, तुझे दिखता रहूं जाना यही कामनाएं कर। ये बंदी बहुत तीखी, सभी को ये नाम दे रही है, मुझे भाप लेती है, ये मेरा नाम ले रही है। साउथ दिल्ली की छोरी पूरे कांड में फंसी है, गले से लगा के गले पे निशान देती है। VIP, मेरी जान मेरे पीछे पड़ी CID, चाहिए लौंडों को रैप से पहले थेरेपी, गांड फटे जब भी बेला करे मेलेडी। ऐसी मेलेडी कोई नहीं लाता, लौंडों को रैप से पहले थेरेपी, गांड फटे जब भी बेला करे मेलेडी। इंतजार में हूँ मैं, इसीलिए लंबी कार में हूँ मैं, रोज फिल्मों के बड़े बड़े स्टार्स में हूँ मैं, नवाजुद्दीन साला चांद पे हूँ मैं। चल साड़ी के रंग को बदल के दिखा रही जानी, बोहेमिया के फैन को तू बॉलीवुड सुना रही। Look at that, oh my god, मुझे लग ही रहा था। देखो 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 फाइनली है, इन्होंने एडमिट तो किया भाई, लाइक समझ रहे हो कि जो ऑब्वियसली बीट सेम थी, वो मेलेडी सब सेम थी, ऑब्वियसली प्रॉपर बीट थी, डीप जानू ने प्रोड्यूस करी थी। बोहेमिया के फैन को तो बॉलीवुड सुना रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाई तुम देख रहे हो कि वो जो इंस्पिरेशन है वो सामने दिख रही है ना, वो इंस्पिरेशन है सामने दिख रही है तुम्हारी, डैम बॉय। मेरे को लग रहा था कि क्या पता मैंने कुछ ज़्यादा सोचता हूँ तो ये सब ऐसे कर देता हूँ, लेकिन नहीं भाई सही में ये चीज़ है, बोहेमिया के फैन को तो बॉलीवुड सुना रही है। चल साड़ी के रंग को बदल के दिखा रही जानी, बोहेमिया के फैन को तू बॉलीवुड सुना रही, उसे लगे कि वो राजा कुमारी क्वीन, अब मेरे स्टूडियो के चक्कर खा रही, पूरे मोहल्ले को उसे लग रहा है कि वो राजा कुमारी है, उसे लग रहा है कि वो क्वीन है कोई, लेकिन
लगने से क्या होता है, वो तो मेरे स्टूडियो के चक्कर खा रही है। डैम, उसे लगे कि वो राजा कुमारी क्वीन अब मेरे स्टूडियो के चक्कर खा रही। पूरे मोहल्ले को तू मौत दे रही है, इसे छेड़ दो तो बाप को तू कॉल दे रही है। तेरे चेहरे पे मरूं या तेरे कॉस्मेटिक पे, मेरी जान मेरी आंखों को तू धोखा दे रही। तेरे चेहरे पे मरूं या कॉस्मेटिक पे, वो मुझे क्या अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई वो तेरा कॉस्मेटिक है, तेरी सुंदरता, तू मुझे धोखा दे रही है। डैम, मेरे को खुद ही नहीं पता लग रहा। दे रही है, तेरे चेहरे पे मरूं या तेरे कॉस्मेटिक पे, मेरी जान मेरी आंखों को तू धोखा दे रही है। तुझे प्यार करने वाला तुझे बोल नहीं पा रहा, मेरी जान तेरी आंखों को मैं खोल नहीं पा रहा। मेरी गाड़ी में ये पॉप सुन के स्नॉट करती है, मैं गाड़ी रोक भी नहीं पा रहा, इसे रोक भी नहीं पा रहा। बंदी बहुत तीखी, सभी को इनाम दे रही है, मुझे भाप लेती है, ये मेरा नाम ले रही है। साउथ दिल्ली की छोरी पूरे कांड में फंसी है, गले से लगा के गले पे निशान देती है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेरा क्या परसेप्शन था गाना सुनने से पहले। पहली बात तो मुझे, मैंने नेशनल एंथम नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ कांडी औरत पढ़ा था, और कांडी औरत से ही मेरे को थोड़ी वाइब आ गई थी कि थोड़ा ऐसा गाना होने वाला है, क्योंकि वो नाम ही ऐसा था। तो मेरे को वीडियो में ऐसा लगा कि प्रॉपर वीडियो होगी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन होगी, मुझे ऐसा मानना था। लेकिन नहीं, वो ऊपर से बस नॉर्मल ड्रोन शॉट था और वो चल रही थी, और नॉर्मल रिवर्स में ऐसे पूरी वीडियो खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा परसीव किया था कि बहुत अच्छी प्रोडक्शन होगी, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेवल है, क्योंकि कॉस्ट्यूम ये सब थे, क्या कहते हैं, एक लोकेशन डिसाइड थी, उसकी कोई बात नहीं है। पता नहीं मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, गाना बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। तो मैं, पता, मेरे को लगा था थोड़ा इसमें गाना लंबा होगा, क्योंकि भाई 2 मिनट का गाना से मेरा पेट नहीं भरता, अगर वो बेला हो तो, भाई समझ रहे हो ना, ठीक है। बेला से मैं लंबे का, मैं, मुझे पता भाई, मैं पूरा दिन बेला सुन सकता हूँ, तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी तुम बताना गाना कैसा लगा, ठीक है। मुझे गाना जितना मेरे को समझ आया, मैंने ऐसे रोक रोक कर ये सब बता दिया, बाकी एक दो बारी वापस सुन लूँगा तो और क्लियर हो जाएगा गाना। तुम बताना गाना कैसा लगा, बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। वी आर रियली क्लोज टू 1.5K सब्सक्राइबर्स, तो हाँ भाई, जिनको वीडियोस पसंद आती है तो भाई वो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।